नमस्कार दोस्तों, एजुपेड इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास टेंथ के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो सबसे पहले ये कि विद्युत किसे कहते हैं, तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। दैट्स मीन इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू इन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जिसका इस्तेमाल हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों में करते हैं, घरेलू उपकरणों में और कमर्शियल यानी वाणिज्यिक उपकरणों में। तो घर में जैसे हमारे कूलर, पंखा, रेफ्रिजरेटर, एसी, बल्ब, ये सब हो गए। और अगर हम कमर्शियल यूज करें तो बड़ी बड़ी मोटरें हो गई, इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनें हो गई, मशीनिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसका इस्तेमाल हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। तो आइए शुरू करते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी अगर हम इसे हिंदी में कहें तो प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले, प्रवाहित का मतलब होता है बहना, प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पे एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, द फ्लो ऑफ चार्ज, और यहाँ पर हिंदी में लिखा है आवेश। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सभी वस्तुओं का निर्माण चार्ज से हुआ है, आवेश से हुआ है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। सजीवों में हम हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, और निर्जीव हमारे जो आसपास की वस्तुएं हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर सभी वस्तुएं चार्ज यानी आवेश से बनी है तो उनमें इलेक्ट्रिक करंट यानी सब में करंट क्यों नहीं बहता है। तो इसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि करंट बहने के लिए कोई ना कोई करंट फालतू होना चाहिए, मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, यानी धन आवेश या ऋण आवेश अधिक होना चाहिए। और कोई भी उसमें से अधिक होगा तो बॉडी में करंट फ्लो होगा आराम से, ईजिली। और अगर दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल है बॉडी, और कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, आवेश फ्लो नहीं होगा। तो आइए इसमें मैं आपको मैथमेटिकल बता दूं कि आई इक्वल होता है क्यू अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम यानी आवेश प्रति एकांक समय में। यहाँ पर जो आई है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यही जो है आई से हम इसको दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से सोचा जाता है, हिंदी में हम बोलेंगे विद्युत धारा। और क्यों, क्यों यहाँ पे आवेश को शो करता है, चार्ज को शो करता है, चार्ज आवेश। और टी एग्जैक्टली यहाँ समय यानी टाइम बताएगा। तो यह है इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। ये तो सब बेसिक चीज़ें हो गई, आपको मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये जो आई है करंट, इसको किस में नापते हैं। जैसे हम दूध को लीटर में नापते हैं, और पानी को लीटर में नापते हैं, सब्जी को किलो में नापते हैं, ऐसी यानी कुछ सारी वस्तुओं को नापने का कोई ना कोई पैमाना है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इन ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको भी नापने के लिए कोई ना कोई यूनिट बनाई गई है, मात्रक बनाया गया है। तो आई यानी आई का जो मात्रक है, विद्युत धारा का जो मात्रक है इलेक्ट्रिक करंट का, वो है एम्पियर। और ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट मीन्स ऐसा ही मात्रक। ऐसा ही मात्रक का मतलब होता है कि पूरे संसार में ये एक समान रहते हैं, और स्थानीय स्तर पे यानी इंग्लैंड में कुछ और, अमेरिका में कुछ और, इंडिया में कुछ और, बांग्लादेश में कुछ और ऐसी जो है वर्ल्ड की जो अलग अलग कंट्रीज हैं वहाँ पे लोकल यानी स्थानीय कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि हम यहाँ पे वजन तौलते हैं किस में, केजी में, लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका में तौला जाता है पाउंड्स में, यूरोप की कंट्रीज में पाउंड्स में तौला जाता है। तो ये अलग अलग इनकी यूनिट होगी, लेकिन यूनिवर्सल यूनिट क्या है, केजी है। ग्राम में भी हम यहाँ तौलते हैं और मिलीग्राम में भी तौलते हैं, लेकिन यूनिवर्सल यूनिट क्या है, तो केजी। ठीक उसी प्रकार से जो पूरे संसार में सेम रहेगी उसको हम कहते हैं ऐसा यूनिट।
इसको हम हिंदी में भी यही लिखेंगे एम्पियर। क्यू जो आवेश है इसकी असाइनमेंट होती है कूलम, कूलम, और हिंदी में हम इसे ऐसे लिखते हैं कूलम, यानी चार्ज को, आवेश को हम कूलम में नापते हैं। और टाइम को आप सभी जानते हैं सेकेंड, टाइम को हम सेकेंड में नापते हैं, ये ऐसा यूनिट है। वैसे टाइम को हम आवर में भी नापते हैं, यानी घंटे में नापते हैं, और इसके साथ साथ जो है मिनट में भी नापते हैं, लेकिन बेसिक क्या है, यानी ऐसा यूनिट क्या है, तो वो है सेकेंड। तो सेकेंड इसकी ऐसा यूनिट होगी। तो करंट को एम्पियर में, आवेश को यानी चार्ज को कूलम में, और टाइम समय को सेकंड में नापा जाता है, ये ऐसा यूनिट है सर। ये जरूर याद रखें, एग्ज़ाम के एग्ज़ाम में एमसीक्यू जो आते हैं या वन मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें आता रहता है। तो आशा करता हूँ कि आपको करंट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आइए मैं आपको इसकी कुछ और वैज्ञानिक चीज़ें बता दूँ। तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा हूँ ताकि आप जो है, आपको मैं डायरेक्शन समझा पाऊँ कि डायरेक्शन क्या है। यहाँ मैंने एक स्विच लगा दिया है, ये स्विच क्या है, इसे हम बैटरी कहते हैं, ये सेल होता है, छोटा वाला एंड जो होता है सर्किट का, ये सर्किट डायग्राम है, ये है सर्किट, इसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ हिंदी में से कहते हैं। तो ये जो छोटा वाला एंड होता है ये नेगेटिव छोर दिखाता है, और जो बड़े वाले एंड होते हैं इनके वो हमें पॉजिटिव छोर दिखाते हैं। यानी इसे हम बैटरी रखते हैं, छोटी सी सेल जो होता है हमारे पास, ये बैटरी होती है, तो उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रेड वाला और एक होता है नेगेटिव, या ब्लैक भी होता है, ग्रीन भी होता है कहीं कहीं। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल है उसे, यानी कि जो ऋणात्मक छोर है वो नेगेटिव यानी छोटा होता है, छोटा ऐसे हम दिखाते हैं, और जो पॉजिटिव होता है उसे हम बड़ा करके दिखाते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी है और एक बल्ब लगा दिया, यहाँ लोड लगा दिया, कुछ और यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ बल्ब लगा दिया, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। अब हम इसमें डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे करंट की? तो करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन है सर्किट में, कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, और इसी तरह से चार्ज का फ्लो होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस हमें जानना चाहिए उसके बारे में, ताकि आप समझ पाओ कि हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे नापते हैं। हमने ऐसा यूनिट तो देख ली कि एम्पियर में नापा जाता है, लेकिन उसे नापेंगे कैसे? यानी लीटर में हम दूध को नापते हैं तो कोई नपना तो होता है जिसमें भर के दूध को हम डालते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर हमें कोई डिवाइस चाहिए नापने के लिए। तो वो डिवाइस जो है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं एमीटर। यह ऐसे लगाया जाता है, यह एमीटर, इधर पॉजिटिव एंड इधर नेगेटिव एंड, करंट इनमें से फ्लो होगा तो ये रीडिंग बता देगा कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि सही तरीके से लगाया कैसे जाए। मैंने यहाँ लगाया तो ये शुरुआती रीडिंग बताएगा, लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि इसमें से फ्लो होने के बाद, यानी बल्ब में जलने के बाद अब कितना करंट है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं उसे यहाँ लगाऊँगा लोड के बाद, यानी मुझे एमीटर यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ नहीं लगाना चाहिए, ताकि, और आपकी मर्जी है, आप जहाँ का चेक करना चाहते हो आप वहाँ पे लगा सकते हो। और ये हमेशा सीरीज में लगता है। सीरीज का मतलब क्या है, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, इस चैप्टर की अगली वीडियो में। यहाँ पर बस आप इतना समझें कि जहाँ भी आपको चेक करना है तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन अगर जिस कंपोनेंट के बाद रीडिंग चाहिए तो आप उस कंपोनेंट के बाद लगाएं। तो ये है एमीटर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एमीटर, और हिंदी में भी हम इसे एमीटर ही कहते हैं। ये वो यंत्र है, डिवाइस है, जिससे हम करंट मेज़र करते हैं, नापते हैं। तो ये जो है पूरा की पूरा टॉपिक था करंट, और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके इसे शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है हमारा विद्युत विभव, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसे समझने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ समझनी चाहिए,
सपोज कीजिए कि एक पाइप में पानी भरा हुआ है, समर्सिबल का या मोटर का या कैसे भी पाइप में जो है, एक नॉर्मल रोड पे एक हमने पाइप बिछा दिया, उसमें पानी भरा हुआ है और ऐसे छोड़ दिया हमने दोनों तरफ से उसका मुंह बंद करके, चाहे खुला भी आप छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि उसमें पानी जो है पाइप में रहेगा, लेकिन ना तो पाइप में से पानी इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। कब तक? जब तक आप उसे कहीं से उठाएंगे नहीं। जैसे आपने इधर से उठाया, पानी दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा, या आप उधर से उठाएंगे तो पानी इस तरफ से बाहर निकल जाएगा। क्यों? ये ऐसा इसलिए हुआ कि जब तक पाइप सीधी लेटी हुई थी, उस पर दोनों, उस पर हर तरफ जो फोर्स था, वाटर पे जो प्रेशर था वो इक्वल था। जैसे ही हमने पाइप को उठाया, इधर के पानी ने इस पर प्रेशर लगाया और उसके फिर उस पानी के मॉलिक्यूल्स ने फिर आगे वाले पे, फिर और आगे वाले पे, फिर और आगे वाले पे, और ऐसे ही करके एंड वाले पे भी प्रेशर लगा और वो बाहर निकल गया। ठीक उसी प्रकार से वायर में भी ऐसा ही होता है, यानी तार में या किसी कंडक्टर में, चालक में ऐसे ही होता है। तो प्रेशर बनाने के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं बैटरी या सेल। तो उस बैटरी या सेल से हम क्या करते हैं, किसी भी चालक में, कंडक्टर में हम एक तरह का प्रेशर जनरेट करते हैं, यानी एक तरफ से धक्का लगेगा और चार्ज फ्लो होके आइए इस चीज़ को जो है और अच्छे तरीके समझते हैं दो फिगर के द्वारा। देखिए, यदि दोनों टैंक में पानी बराबर होगा तो क्या होगा, ना तो इसमें पानी ज़्यादा होगा ना उसमें ज़्यादा होगा, बहेगा ही नहीं, यानी दोनों तरफ जैसे कि जैसा है वैसे ही बना रहेगा। ठीक ऐसे ही वायर का है, यानी किसी भी कंडक्टर की ये बात कि जैसे वो रहती है वैसे फिक्स रहती है। और मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया है कि अगर एक टैंक पूरा फुल भरा हुआ है और दूसरा खाली है, और मैं अगर ये वाल्व खोल दूँ और वाटर को फ्लो होने दूँ, तो क्या होगा, पानी अपने आप ही इसमें तब तक आता रहेगा जब तक कि दोनों ठीक इस कंडीशन में ना आ जाए, यानी दोनों में वाटर बराबर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ प्रेशर कम है, यहाँ दबाव ज़्यादा है, वहाँ दबाव कम है। यही कारण है कि हमें जब कंडक्टर में हमें करंट फ्लो कराना होता है तो हम या तो बैटरी लगाते हैं, या हम सेल लगाते हैं, या हम एसी करंट में कुछ ना कुछ लगा के इक्विपमेंट उसमें जनरेट करते हैं प्रेशर। तो उसी को हम कहते हैं विद्युत विभव। और कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से। तो आशा करता हूँ आपके टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर कोई आपसे पूछे कि बिना बैटरी, अगर आपसे बहुत लोग ये पूछेंगे कि फ्री चार्ज मेटल में होता है तो फ्लो क्यों नहीं होता है, तो आप रीज़न यही बताएं कि रीज़न ये है कि फ्लो इसलिए नहीं होता, पूरी वायर में चार्ज हर जगह फैला है, ये ठीक है, लेकिन प्रेशर हर जगह भी बराबर है ना। प्रेशर तब ज़्यादा होगा, जैसे ही मैंने यहाँ बैटरी लगा दी, तो अगर मैंने बैटरी लगा दी यहाँ पे, तो इस वाले एंड पे प्रेशर पूरे 3 वोल्ट होगा, जबकि इस वाले पे 0 वोल्ट होता है। यही कारण है कि फ्लो नहीं होता। जब हम ये ऑन कर देंगे स्विच, तो ये यहाँ पे प्रेशर 3 वोल्ट है, 0 वोल्ट तक फ्लो होगा, और अगर हम इसे लगाए ही ना तो फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि हर जगह 0 है प्रेशर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आइए मैं इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दूँ और कैसे हम तो इसको हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज, द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी ए से बी तक आवेश को, यूनिट चार्ज का मीन्स होता है कि इकाई, यानी एक आवेश को, एक चार्ज को, यानी अगर मैं लिखूं यहाँ पे हिंदी में, तो इकाई आवेश को, इकाई मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और क्योंकि कार्य हमने बोला है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके का।
अब मैं सिर्फ कर देता हूँ ताकि आपको समझाऊंगा अच्छी तरह। यहाँ पर हम न्यू पी को दिखाते हैं कैपिटल बी से, और इसका फॉर्मूला होता है चार पहले, यानी कि हम वर्क डन कर रहे हैं, यानी कि वर्क डन कार्य अपॉन ले क्यू, यानी कि आवेश चार्ज। तो यह है विद्युत विभव का फॉर्मूला, और इसकी भी ऐसा यूनिट होगी। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, यानी ऐसे ही मात्रक इसका क्या होगा, तो इसका ऐसे ही मात्रक होता है वोल्ट, हिंदी में इसे वोल्ट लिखते हैं, और इसको हम शो करते हैं स्मॉल वी से। मैं पिछले टॉपिक में आपको बताना भूल गया था इलेक्ट्रिक करंट का, तो मैं वो भी बता देता हूँ। एम्पियर को हम ए से शो करते हैं, एम्पियर को हम ए से शो करते हैं, और वोल्ट को स्मॉल वी से। तो ये मात्रक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, विद्युत विभव का। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक समझने के लिए, जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो था इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ एक और चीज़ हम सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, नई चीज़ नहीं है कोई, यही है जो मैंने अभी बनाया था कि करंट तभी फ्लो होगा जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, यानी विद्युत विभव का अंतर होगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि वी ये है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे वी बी है, और अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए तो क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ 20 वोल्ट है, तभी तो करंट फ्लो होगा जब चार्ज में डिफरेंस होगा, जब प्रेशर में डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर अब मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं निकालूँगा 20 माइनस 10 इक्वल में 10 वोल्ट, पूरा लिखिए, या फिर ऑनली 10 वोल्ट ऐसे। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैं आपको नाम बता दूँ इसका, क्योंकि आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे विभवांतर। विभवांतर, हाँ, ये शब्द बार बार आएगा, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब आगे हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चार्ज फ्लो कराने के लिए डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल में, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे आगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पूरे चैप्टर में यही चलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो इससे, तो प्लीज़ इसे शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिले और हम और अच्छी तरह से आपको पढ़ा पाएँ और समझा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।